नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित होटल ताज को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये कॉल कथित तौर पर पाकिस्तान से आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। होटल ताज के अलावा मुंबई के होटल कोलाबा और ताज लैंड्स एंड को भी ये धमकी भरा कॉल किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कॉल बीती रात 12:30 बजे पाकिस्तान से किया गया है। फ़ोन करने वाले ने 26/11 हमले जैसा हमला एक बार फिर होने की धमकी दी है। धमकी भरा कॉल आने के बाद होटल ताज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल में आने वाले हर गेस्ट पर नज़र रखी जा रही है। होटल ताज के आसपास दक्षिण मुंबई में पुलिस ने नाकाबंदी भी बढ़ाई है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 12:30 बजे होटल ताज पैलेस के स्टाफ ने कॉल रिसीव किया। कॉल करने वाले शख्स ने बताया कि वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य है। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि होटल पर उनके लोगों की तरफ से बड़ा हमला किया जाएगा और उसे उड़ा दिया जाएगा, जैसे कि नवंबर 2008 में हुआ था। इसके बाद ठीक इसी तरह का फ़ोन बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में किया गया। वहां भी कॉल रिसीव करने वाले स्टाफ को इसी अंदाज में धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों जगह एक ही नंबर से कॉल किया गया, जो पाकिस्तान का था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। साइबर सेल मामले की जांच में जुट गया है। टेलीकॉम विभाग से भी मदद ली जा रही है, ताकि कॉल करने वाले के लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। इसी बीच ताज होटल की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। अपने इस बयान में होटल ताज ने कहा है कि वो हर तरफ से जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं और साथ ही मेहमानों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था। ये हमला लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने ही किया था, जो समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए थे। इस आतंकी हमले में 166 लोगों की जान गई थी, जबकि हमलावर आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया था। एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।